अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPS न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। देखिए आज की अहम खबर। दिनों में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में जो कोरोना का स्टैटिस्टिक्स बाहर आया है, अगर आप उसका कंपैरिजन दूसरे स्टेट से करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सब स्टेट के कंपैरिजन में तेलंगाना स्टेट में कंट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग को लॉकडाउन इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है कुछ दिनों। हमारे ऑनरेबल CM साहब 7 मई तक के लिए लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किए और पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन और पूरे डिपार्टमेंट्स के तरफ से कलेक्टिव एफर्ट से ये पूरा लॉकडाउन अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी समय जो इसेंशियल आइटम्स का मूवमेंट है, खास करके गरीबों के लिए, लेबरर्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है और हमारे हर पुलिस स्टेशन में इसकी सुविधा, इसका अरेंजमेंट है। बहुत जगह हमारे पुलिस स्टेशन के पेट्रोल गाड़ी में भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को हॉस्पिटल ले गया। बहुत जगह जो लोग भूखे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको 15 दिन का राशन। पॉसिबल है कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक भी उनको अप्रिशिएट कर रही है, पब्लिक के तरफ से भी फुल कोऑपरेशन। तो ऐसे मौके पे एक बार फिर मैं आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन को 100% सक्सेसफुल रखें। ये बीमारी को रोकने का केवल वही एक इलाज है कि आप घर के बाहर नहीं निकलें। घर के बाहर आप जाएंगे तो आपके साथ वो वायरस आपके घर के अंदर घुस जाएगा और फिर आपके बच्चों को परेशान करेगा, आपके बुजुर्गों को परेशान करेगा। इससे बचने का यही तैयारी है कि आप घर के अंदर रहें। शुक्रिया। रमजान का महीना बहुत पाक महीना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। आज से 1 महीने जो एक बहुत अलग किस्म के माहौल में इस बार हम लोग रमजान में हैं, तो मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि शायद इसका जिक्र पहले भी हुआ है, हदीथ में भी इसका जिक्र है कि अगर कहीं वबा है तो आप उससे कैसे निपटे। कुरान में भी, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि आप जरूरत पड़ने पर किन हालात में घर के अंदर से भी नमाज अदा कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुबहाना ताला जिनकी झोली में रहम बहुत ज्यादा है, आपकी दुआओं को, आपके नमाज को जरूर कबूल करेंगे। आज की स्थिति में बाहर निकल के कहीं जमा होना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे देशों में, कोरिया में, बाकी सब जगह गैदरिंग से ही फैली है ये बीमारी। यहां भी बहुत लोगों को गैदरिंग से ही हुआ है हिंदुस्तान में, तो वैसा मौका फिर नहीं आए। आज की तारीख में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो इस वायरस को रोकना है, और इस वायरस को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह ज्यादा लोग जमा ना हो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है